ये फोकस बायोलॉजी है और मैं वरुण प्रभात हूँ। मैं इस वीडियो में स्केलेटल मसल फाइबर के माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। लेक्चर आउटलाइन, इसमें मसल फाइबर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताई गई है, जिसका कि हम अपने इस लेक्चर में वर्णन करेंगे। पहला है सार्कोलीमा, दूसरा ट्रांसवर्स टिब्यूल्स, तीसरा सार्कोप्लाज्म, चौथा मायोफाइब्रिल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, टर्मिनल सिस्टर्न्स, फिलामेंट्स और मायोफिलामेंट्स, सार्कोमियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ ए स्केलेटल मसल, और अंत में हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। आइए देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ ए स्केलेटल मसल फाइबर। ये मसल फाइबर स्केलेटल मसल टिश्यू का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट अवयव है। इसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और लेंथ में ये लगभग 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच से 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच तक लंबी हो सकती है। ओरिजिन, ये मसल फाइबर मायोब्लास्ट के फ्यूजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये देखिए, ये मायोब्लास्ट है। ये मायोब्लास्ट सेल्स मीजोडर्मल सेल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है। ये मायोब्लास्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। यहाँ देखिए फ्यूज हो रही है। ये फ्यूज करके मसल फाइबर बनाते हैं। शुरुआत में ये मसल फाइबर इमैच्योर होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक मसल फाइबर में 100 और उससे अधिक मायोब्लास्ट सेल्स फ्यूज्ड होते हैं। तो जितने मायोब्लास्ट सेल्स फ्यूज्ड होंगे मसल फाइबर में न्यूक्लियाई की संख्या उतनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 100 या उससे अधिक एक सिंगल स्केलेटल मसल फाइबर में होती है। जब मायोब्लास्ट सेल्स फ्यूज करके मसल फाइबर बना देते हैं तो ये मसल फाइबर अपनी डिविजनल कैपेसिटी खो देती है। मतलब ये मसल फाइबर सेल डिवीजन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए स्केलेटल मसल फाइबर्स की संख्या कितनी होगी वो जन्म से पहले निर्धारित हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं सार्कोलीमा को। ये सार्कोलीमा स्केलेटल मसल फाइबर का आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाली पार्ट को हम सार्कोलीमा बोलते हैं, या यूं कहें कि यह मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्शन पोटेंशियल इसी सार्कोलीमा के थ्रू ट्रैवल करती है। ये सार्कोलीमा इन्वेजिनेट कर जाते हैं सार्कोप्लाज्म में और एक स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। यहाँ टी ट्यूब्यूल
या ट्रांसवर्स टिब्यूल। इसकी संख्या थाउजेंड्स में होती है। ये गौर करने वाली बात है कि टी टिब्यूल्स का संपर्क इंटरएस्टिशियल फ्लूइड से होता है। यहाँ देख लीजिए, ये इंटरएस्टिशियल फ्लूइड जो यहाँ मौजूद होंगे वो टी टिब्यूल्स के थ्रू यहाँ तक भी आ सकते हैं, यहाँ तक फैले रहते हैं। टी टिब्यूल्स का काम यह है कि एक्शन पोटेंशियल जो सार्कोलीमा के थ्रू आ रही है उसको पूरे मसल फाइबर में डिस्ट्रीब्यूट करना। कि अभी हम पढ़े हैं कि टी टिब्यूल्स की संख्या थाउजेंड्स में होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए यहाँ पे भी अनदर टी टिब्यूल्स, यहाँ पे भी हो सकती है, और इस टी टिब्यूल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर के अंदर तक चली जाती है, जिससे एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल मायोसाइट्स के सारे पार्ट्स को एक ही समय में एक्टिवेट कर देती है। मतलब एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल मायोसाइट्स के सारे पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि टी टिब्यूल्स ये जो है ये सार्कोप्लाज्म में अंदर तक फैली होती है, काफ़ी, इसकी संख्या थाउजेंड्स में होती है। नाउ सार्कोप्लाज्म ये मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है, ये वाली पोर्शन ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए न्यूक्लियाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको हमने यहाँ SR से इंडिकेट किया, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब सारे इसी सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल ये स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है। इसकी डायमीटर लगभग 2 नैनोमीटर होती है और लंबाई मसल फाइबर की इतनी। ये यहाँ देखिए, ये मसल फाइब्रिल है, ये वाली पोर्शन, ये डायमीटर ये यहाँ से यहाँ 2 नैनोमीटर और इसकी लंबाई ये पूरी मसल फाइबर इतनी होती है। ये स्ट्रिएटेड होते हैं, यहाँ देखिए स्ट्रिएटेड हैं। स्ट्रिएटेड कहने का मतलब ये हुआ कि ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, तो अल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड पाई जाती है, जो कि होल मायोफाइब्रिल को स्ट्रिएटेड लाइक अपीयरेंस देती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये देखिए, ये वाली पोर्शन, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सार्कोमियर का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये प्रत्येक मायोफाइब्रिल के चारों ओर फैली होती है, या यूं कहें कि चारों ओर से घेरे रहती है। यहाँ देखिए, यहाँ 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 चारों ओर से सराउंड की हुई है। इसमें भी फ्लूइड भरे होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। टर्मिनल सिस्टर्न्स, यहाँ देखिए ये वाली पोर्शन टर्मिनल सिस्टर्न, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डायलेटेड छोर होती है, मतलब फूला हुआ पार्ट, डायलेटेड एक्सपेंडेड पार्ट, किसका? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। और ये यहाँ टी ट्यूब्यूल है। ये टर्मिनल सिस्टर्न
से कैल्शियम आयन रिलीज होती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को की शुरुआत करती है, ट्रिगर करती है एक स्ट्रक्चर, और ये दो स्ट्रक्चर मिलके ट्रायड बनाती है। एक्चुअली ये टेटेब्यूल और टर्मिनल सिस्टर्न एक इस साइड है, एक दूसरी साइड भी होगी इस साइड। तो एक टेटेब्यूल और उसके दोनों साइड वाला टर्मिनल सिस्टर्न्स मिलकर ट्रायड का निर्माण करती है। नाउ फिलामेंट्स या मायोफिलामेंट्स, ये स्मॉलर प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, ये छोटे और प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है जो कि मायोफाइब्रिल्स के अंदर में पाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मायोफिलामेंट्स या फिलामेंट्स। एक कहलाती है थिन फिलामेंट्स और दूसरी कहलाती है थिक फिलामेंट्स। यहाँ देखिए, थिन फिलामेंट की डायमीटर 8 नैनोमीटर, थिक फिलामेंट की डायमीटर 16 नैनोमीटर, मतलब डायमीटर थिक फिलामेंट की ज़्यादा है। देख लीजिए 16 नैनोमीटर और ये 8 नैनोमीटर, लगभग दुगुनी है। लंबाई दोनों की लगभग सेम समान, लेंथ 1 से 2 माइक्रोमीटर, इसकी भी 1 से 2 माइक्रोमीटर। थिन फिलामेंट, ये देखिए ये वाली पार्ट थिन फिलामेंट है, यहाँ ये वाली पार्ट थिन फिलामेंट, ये यहाँ इंडिकेट किया गया है ना, ये वाली पार्ट थिन फिलामेंट। ये एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि थिक फिलामेंट ये बीच वाली पार्ट जो मोटी है, नाम से ये स्पष्ट है थिक, थिक मतलब मोटा, मतलब इसका डायमीटर थिन फिलामेंट की लगभग दुगुनी होती है, ये मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। नाउ सार्कोमियर, ये यहाँ देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक के रीजन को सार्कोमियर कहते हैं। ये मायोफाइब्रिल के फंक्शनल यूनिट है। ये देखिए, ये हुई एक जी डिस्क, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जी डिस्क, इस साइड भी ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर से है, ये जी डिस्क, और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं सार्कोमियर। अब इसमें देखिए, इसमें थिक फिलामेंट ये मोटी वाली और थिन फिलामेंट दोनों मौजूद होती है। जी डिस्क ये नैरो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका काम क्या है, दो एडजेसेंट सार्कोमियर को अलग करना। इसका मतलब हुआ, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से इधर एक सार्कोमियर, तो यहाँ से इधर दूसरी सार्कोमियर, या यूँ कहें इधर एक सार्कोमियर तो ये दूसरी सार्कोमियर, फिर इससे इधर अगर हम जाएंगे तो तीसरी सार्कोमियर। तो एक सार्कोमियर को दूसरी सार्कोमियर से अलग करने का काम ये जी डिस्क करती है।